प्रदेश की राजधानी भोपाल में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में दो युवतियों के साथ हुए यौन शोषण के मामले में शहर के रोशनपुरा चौराहे पर महिला कांग्रेस ने भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदेश महिला कांग्रेस के अध्यक्ष ने भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज एक तरफ बेटियों की सुरक्षा की बात करते हैं और दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी कार्यालय में महिलाओं के खिलाफ यौन शोषण जैसी घटनाएं घट रही हैं। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष मांडवी चौहान ने मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगा है। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। देखिए, भाजपा के कार्यालय में दो बेटियों के साथ यौन शोषण होता है और एक शर्मसार करने वाली घटना है कि जिसको वो अपने भाजपा के कार्यालय को मंदिर बोलते हैं और मामा की भांजियां उसमें अगर यौन शोषण की शिकार होती हैं तो इससे बड़ी शर्म की कोई बात नहीं है। मध्य प्रदेश में कि शर्म आनी चाहिए ऐसे मामा को और ऐसी भाजपा सरकार को कि जिनके घर में ही बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है और ये लोग अब आँख कान मुंह सब बंद किए बैठे हैं। ऐसे लोग को शर्म आनी चाहिए, चाहे वो बी डी शर्मा हो, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, या यहाँ के विश्वास सारंग हो, या दूसरे अन्य नेता हो। इन लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए और नहीं तो इन बेटियों के जो जिन्होंने यौन शोषण किया है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा और उन बेटियों को न्याय मिलना चाहिए। इसके लिए आज हम लोग सड़कों पर उतरे हैं। तो देखिए, देखा जाएगा, कब देखा जाएगा। इतनी बड़ी घटना घटी है और जब ये इस तरीके का कृत्य हो रहा था तो इनको जरा भी अंदाजा नहीं था। आपका मंदिर है, मंदिर में पुजारी है, तो पुजारी को भी तो देखना चाहिए कैसा पुजारी बैठा है वहाँ। उस पुजारी के राज में ये सारी सब घटनाएं घट रही हैं, तो शर्म करना चाहिए शिवराज सिंह मामा को कि आपके ही घर में अगर बेटियां सुरक्षित नहीं है तो बाहर सड़कों पे बेटियां कहां सुरक्षित होंगी, स्कूलों में कहां सुरक्षित होंगी। आज उस गरीब से पूछिए जिसके दरवाजे घर का गेट भी नहीं है, उसकी बेटी कैसे सुरक्षित होगी। तो ये सोचने का विषय है। मैडम, आप लोगों से भी बोलना चाहती हूँ, हम सब मिलकर ऐसी सरकार को चैलेंज करते हैं कि आप इन बच्चियों के साथ न्याय हो, और न्याय नहीं कर सकते हो तो आप इस्तीफा दो, और इस्तीफा नहीं दे सकते हो तो ये बहनें सड़कों पे उतरेंगी और उनका साथ देंगी, उनकी न्याय की गुहार करेंगी। और मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से अंधा कानून चल रहा है, इस कानून को इन्हें रोकना चाहिए और व्यवस्थाएं करनी चाहिए जिससे हमारी बेटियाँ सुरक्षित रहें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।